टिकट निकालो अपनी मिड में होगी ना फिर उधर होगा भाई 400 कौन बताएंगे 400 की लाइन आगे होगी जहां बादल प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलिस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी हैं। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। आज तक मिली जानकारी के अनुसार जो भी चीजें अस्तित्व में हैं, उन सभी को ये समेट लेता है। अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाश गंगाओं तक, हर जगह हर चीज में है ये विश्व। एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है ये। मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर।
आज के विश्व की ये कहानी गत काल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कॉपरनिकस और इटली के गैलीलियो। विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ, जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए काफी तप्त थी। वहां वातावरण का अभाव था, यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शिला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें